ये 40 से 50 अंडे का रहता है ये 1800 रुपए में, और उसके नीचे आएगा ये आएगा 2000 रुपए में 100 अंडे का, और एक रहेगा इधर ये आता है 80 अंडे का डबल फैन में है, ये आएगा 2600 रुपए में आएगा, और इसके बाद ये आएगा 2800 रुपए 100 अंडे का, और नीचे अगर देखोगे ये डबल कंट्रोलर में होता है हमारा, डबल कंट्रोलर 100 अंडे का ये आएगा 3200 रुपए में, और इधर रहेगा आपका 3400 रुपए में, ये देखिए एसटीसी 1000। नमस्ते, मैं विकास पात्रा, और आज ये देख सकते हो बहुत सारे मॉडल ले गए हैं, कम से कम 7 मॉडल है। ये जो है सर छोटा मॉडल है, बड़े भी आप देखे होंगे, जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए वो लोग अगर यूट्यूब चैनल में हमारे जाके देखेंगे, हम 5 तक का भी बना रहे हैं, ऑल इंडिया डिलीवरी भी कर रहे हैं कैश ऑन डिलीवरी के साथ, और ये सिर्फ छोटे मॉडल है, सेमी ऑटोमेटिक में है, ऑटोमेटिक में भी हमारे पास अवेलेबल है, उसका भी एक ऐसा वीडियो आएगा बहुत ही जल्दी। बस ये सेमी ऑटोमेटिक का जो कम बजट में शुरुआती लेना चाहते हैं उनके लिए खास करके है। तो चलिए एक एक मॉडल के बारे में देखते हैं, और उससे पहले मैं सभी को मेरा धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जिन्होंने भी हमारे ऊपर भरोसा करके हमसे इनक्यूबेटर खरीदा, उनके द्वारा हम कम से कम 700 के आसपास इनक्यूबेटर सेल कर चुके हैं ऑल इंडिया। तो हमने अभी खुद का कंपनी भी बना लिया, ये देख सकते हो ये हमारा कार्ड है पात्रा इनक्यूबेटर्स बोल के, क्योंकि हमारा जो टाइटल पात्रा है, तो हमारा एड्रेस है बारीकपदा मयूरभंज ओडिशा जो हमारा एड्रेस है, और फोन नंबर वगैरह ये है, फोन नंबर आपको डिस्प्ले में भी आ जाएगा, तो कोई भी हमारा एड्रेस में आके देना चाहता है तो आ सकता है, उनको हर टाइम वेलकम है। और ऑल इंडिया तो हम घर पे कैश ऑन डिलीवरी में प्रोवाइड करते हैं, जो एक कंडीशन रहता है कैश ऑन डिलीवरी में, कि पहले से वो बता दे रहा हूँ कि कंडीशन ये है कि हम कुरियर का जो चार्ज रहता है हम वो पहले लेते हैं। कुछ अदर इंक्यूबेटर वाले देखे होंगे जो हाई प्राइस में इंक्यूबेटर बेचते हैं, उसी में ही कुरियर का चार्ज इंक्लूड कर लेते हैं। तो मैं एक बात मेरा ध्यान से सुनिएगा, अगर कहीं से भी आप इंक्यूबेटर ले रहे हो, चाहे हमसे ले हो या किसी से भी लो, इंक्यूबेटर में आपको क्या क्या सामान मिल रहा है पूरा जानकारी लीजिए, कितने वाट का बल्ब मिल रहा है पूरा जानकारी लेके प्राइस कंपेयर कीजिए किसके पास क्या प्राइस है, उसके बाद आप इंक्यूबेटर खरीदे, ना कि किसी को भी देख लिया इंक्यूबेटर यूट्यूब में और मंगा लिया। उसमें बहुत लोग ठगते हैं, क्योंकि हमारे पास बाद में कॉल करते हैं कि सर मैं वहां से मंगा लिया, वहां पे सर्विस अच्छा नहीं था, और अभी हम खराब हुआ तो वो लोग कॉल नहीं उठा रहे, ठीक से बता नहीं रहे, और प्राइस भी ज्यादा ले लिए, क्योंकि फ्री कैश ऑन डिलीवरी में उसने कुरियर चार्ज फ्री बोल के हमसे ज्यादा लूट लिया। क्या करते हैं, जैसे मैंने एक देखा 60 अंडे का एक इनक्यूबेटर है जो लोग बेच रहे हैं 3000 में कैश ऑन डिलीवरी बोल के, तो इसी तरह आप लूटने से बचे और अच्छे इनक्यूबेटर खरीदे। तो चलिए चलते हैं एक एक मॉडल में हम अभी मतलब डिटेल्स बात करेंगे। तो सबसे कम कीमत में हमारे पास जैसे अभी अवेलेबल है, पहले ये 1800 रुपए में है, और उससे उसके बाद आता है ये 40 से 50 अंडे का रहता है ये 1800 रुपए में, और उसके नीचे आएगा ये आएगा 2000 रुपए में 100 अंडे का, और एक रहेगा इधर ये आता है 80 अंडे का डबल फैन में है, ये आएगा 2800 रुपए डबल फैन में है क्योंकि इसीलिए, सॉरी ये 2600 रुपए में आएगा, और इसके बाद ये आएगा 2800 रुपए 100 अंडे का, और नीचे अगर देखोगे ये डबल कंट्रोलर में होता है हमारा, डबल कंट्रोलर 100 अंडे का ये आएगा 3200 रुपए में, और इधर रहेगा आपका 3400 रुपए में, ये देखिए एसटीसी 1000 कंट्रोलर है, बहुत ही हैवी कंट्रोलर है ये, और जिनको थर्माकोल बॉडी का नहीं लेना है उनके लिए स्पेशल हमारा आइस बॉक्स में है, इसका पूरा डिटेल वीडियो अभी कुछ ही दिन पहले मैंने अपलोड किया है, चैनल के अंदर जाके आप देख सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में ज्यादा बात नहीं करेंगे, ज्यादातर बात करेंगे यही 6 मॉडल के बारे में। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते, तो जैसे अभी स्टार्ट करेंगे हमारे छोटे इंक्यूबेटर से, ये देख सकते हो ये हमारा कार्ड है, फिर से दिखा दे रहे हैं, सभी इंक्यूबेटर में अभी कार्ड लग के जाएगा, क्योंकि हमारा अभी भगवान की दया से अच्छे सेल हो रहे हैं आप लोगों की दया से। तो ये जैसे हमारा 40 से 50 अंडे का है ये, इसका देखिए कंट्रोलर हम अंदर की तरफ करके देते हैं, आप देखे होंगे बहुत सारे एक इंक्यूबेटर, जैसे मैं ज्यादातर बोलूंगा क्या करते हैं कि स्विच बोर्ड लगा देते हैं, ऐसे पैनल वाला स्विच बोर्ड लगा देते हैं इंक्यूबेटर बॉडी में, उसके बाद बोलते हैं कि इसका वायरिंग अच्छा है आप ले सकते हो, उसको बाहर से फिटिंग करते हैं। पर एक चीज का जरूर ध्यान देना, उसमें क्या होगा जब कुरियर में वो आता है तो वो डैमेज होने का 99% रिस्क रहता है, क्योंकि कुरियर वाले आपको भी पता है कि अच्छे से सामान ट्रांसफर नहीं करते, तो इसीलिए ये चारों तरफ से प्लेन रहने के लिए हम पूरा इसको बाहर कुछ भी नहीं लगाते। और सेकंड बात होता है उसको रिपेयर करना कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि पूरा स्विच बोर्ड निकाल के आपको रिपेयर करना पड़ेगा, अगर कभी ये खराब हो गया बस ढक्कन खोलना चार तार निकलना हो गया काम खत्म, नया वाला सामान डाल देना। और एक बात जैसे मैं पहले बोला था ये ओरिजिनल होता है, इसके ऊपर ओरिजिनल का ओवर स्टिकर लगा के खुद को ओरिजिनल दिखाते हैं, वैसा चोरों से बचे।
तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये होता है हमारा 40 अंडे का ये थर्माकोल बॉडी में है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का थर्माकोल बॉडी है। इसके साथ आपको मिलेगा हेलोनिक्स का 25 वाट का बल्ब मिलेगा, जो होता है सबसे कम वाट। ये बात जरूर ध्यान देना, किसी से भी इंक्यूबेटर लो तो पूछना कितने वाट का बल्ब है। जितना कम वाट का आपका बल्ब होगा उतना आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, साथ में आपका बिजली का खपत भी कम रहेगा। 25 वाट का 3 बल्ब रहेगा, एक ऑप्टेक का रहेगा हाइग्रोमीटर, साथ में वायर वाला रहेगा, बिना वायर वाला नहीं रहता क्योंकि ये कॉस्टली आता है, वायर वाला है और बहुत ही अच्छा एक्यूरेसी है। उसके साथ एडिशनल बैटरी रहेगा, कभी अगर बैटरी भी खत्म हो जाए तो आपको बैटरी भी नहीं खरीदना पड़ेगा, ये रहेगा साथ में। और तीसरा रहेगा आपको 12 वोल्ट 2 एम्पियर का अडाप्टर मिलेगा, कार्बनिक्स ब्रांड का, देखिए 12 वोल्ट 2 एम्पियर का पूरा ओरिजिनल अडाप्टर होता है। जैसा नहीं कि हम जो एलईडी लाइट का चोक लोग दे देते हैं वो चोक वगैरह यूज नहीं करते, ये अब बारकोड के साथ आता है 6 महीने गारंटी के साथ। पूरा इंक्यूबेटर में आपको 6 महीने का गारंटी मिलेगा, अगर 6 महीने में कुछ भी दिक्कत आया तो आप रिटर्न कर सकते हो। तो इसको यूज करने का पूरा डिटेल हमारे पास ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, वो चैनल में जाकर देख सकते हो। मैं बस आपको इसको चलाने का थोड़ा वीडियो दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, जब आपके पास पहुंच जाएगा इसके पीछे टेप लेके जाएगा, उसको यहाँ से चिपका देना है और इधर इसको लगा के ऑन करना है। तो क्या करना है, ढक्कन में पहले ढक्कन खोल के एक बल्ब लगा देना है, जो बल्ब हम साथ में दिए होंगे, बल्ब लग गया। उसके बाद क्या करना है, ये सब हम सेटिंग करके दिए होंगे, वायरिंग करके दिए होंगे आपको, आपको उसके बारे में कोई टेंशन नहीं लेना। मैं इसको किया नहीं था तो अभी जस्ट कर दे रहा हूं, होके जाएगा आपको, आपको उसके बारे में कोई भी टेंशन नहीं है। इसको यहां पर डाल दिया मैंने, और इधर पीछे आप देखे होंगे ड्यूअल साइडेड टेप लग के जाएगा, तो बस उसको उठाना है, ऐसे चिपका देना है। और क्या करना है, जो चार्जर था चार्जर को बिजली में लगाना है, उसका सॉकेट को यहाँ को डालना। ये देखिए अंदर फैन भी चालू हो गया, ये कंट्रोलर भी चालू हो गया, और इसका इधर लगा देना। ये देखिए अंदर बल्ब भी जल गया है, ऐसे और कुछ नहीं करना। हाइग्रोमीटर का इधर हम होल करके चारों तरफ से दिए होंगे, हाइग्रोमीटर का सेंसर को वहां पे डाल देना, बस इतना सा ही करना है। इनक्यूबेटर चालू हो गया, नीचे अंडा रखने का पूरा वीडियो हमारे पास ऑलरेडी है, जो कस्टमर चाहते हैं यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं। अगर हमारे साथ कॉन्टेक्ट करना है हम वीडियो दे देंगे, पूरा अंडे बैठाने से लेकर चूजा निकलने का तक हर वीडियो पार्ट बाय पार्ट है, जिसमें आपको दिक्कत नहीं होगा समझने में। तो इसका हो गया, चलिए देखते हैं अभी उसके बाद ये जो हमारा होता है 2000 वाला। तो चलिए देखते हैं अभी, ये हमारा है 100 अंडे का सिर्फ 2000 रुपए में 100 अंडे का सेमी ऑटोमेटिक W1200 ओरिजिनल होता है, जो मैंने पहले जैसा बताया ऐसा टेप लग के जाता है, इसको ऐसा उठाना है और चिपका देना है। ये ग्लास उधर रहेगा, ये इधर उधर रहेगा, और एक बात ध्यान देना है कि ग्लास सामने की तरफ रहेगा आपके। तो चलिए देखते हैं इसके साथ आपको क्या क्या मिलता है। इसके साथ आपको मिलेगा तीन बल्ब मिलेंगे, 25 वाट का गर्मी का टाइम के लिए, सर्दी में 60 वाट का लगाने के लिए बल्ब। हाइग्रोमीटर वालेगा जैसे मिलेगा, जो मैंने पहले बताया था ये वाला तार वाला, ये ध्यान देना कि बहुत लोग कम प्राइस में बेचने के लिए, प्रॉफिट ज्यादा करने के लिए बिना तार का दे देते हैं, तो वो जल्दी खराब हो जाता है ह्यूमिडिटी लग के। वही मल्टीप्लग, वही सेमी 12 वोल्ट 2 एम्पियर का अडाप्टर, ये देख सकते हो 12 वोल्ट 2 एम्पियर का अडाप्टर, सेम ही उसका भी प्रोसेस है। बल्ब लगाना है नीचे, कंट्रोलर का लगा दिया इधर, अडाप्टर का लाइन आके मोटा वाला पिन लग जाएगा इधर, दूसरे वाला पिन लग जाएगा बिजली में उधर। और ये हो गया चालू, ये देख सकते हो, ये हमने सेट करके दिया है 37.7 में, वो सेटिंग के हिसाब से चलेगा। रिजल्ट के बारे में कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ऑल इंडिया हमारे कम से कम 700 कस्टमर अभी बन गए हैं, रिजल्ट सबका अच्छा रहे, कुछ कस्टमर का खराब आता है ये तो जेन्युइन बात है, क्योंकि सभी लोगों का अंडे का क्वालिटी सेम नहीं होता, सिंपल सी बात है। तो चलिए अभी आगे बात करते हैं 2000 के बाद, अभी 2600 वाला बारे में बात करेंगे। तो ये है, ये 80 अंडे का होता है, डबल फैन में ये होता है, और ये है हमारा 80 अंडे का, ये अभी थर्माकोल बॉडी में है, डबल फैन में है, ये नया वाला मॉडल है, इसको थोड़ा चेंजेस किया जाएगा जैसा आप देख सकते हो, इसमें डबल फैन लगा है पर होल्डर सिंगल करेंगे, क्योंकि डबल होल्डर इसमें ज्यादा हो जाएगा, तो हमने इसको सिर्फ डेमो के लिए बनाया था। तो ये वाला आएगा आपको 2600 रुपए में, सिंगल होल्डर में आएगा, साथ में इसका वही सेम प्रोडक्ट मिलेगा, हाइग्रोमीटर मिनी वाला, और इसके साथ मिलेगा 12 वोल्ट 2 एम्पीयर का वही अडाप्टर, देख सकते हो, फिर से दिखा देता हूँ ओरिजिनल 6 महीने गारंटी के साथ। हम ट्यूबलाइट का चोक यूज नहीं करते, बार बार बोलते हैं, क्योंकि बहुत लोग ट्यूबलाइट का चोक देकर लोग को ठग रहे हैं।
और 25 वाट का चार बल्ब मिलेगा, वाटेज कम हमारा स्पेशलिटी है, मल्टीप्लग ये सब मिलेगा। ये आएगा आपका 2600 रुपए में। और इसको भी चालू करने का प्रोसेस वही सेम ही है, पहले आपको अडाप्टर लगाना है, अडाप्टर का भाई मोटा वाला पिन इधर डालना है, इसमें कंट्रोलर और फैन चालू हो जाएगा। और उसके बाद आपको ये वाला जो प्लग होता है उसको लगा देना है, जिसमें आपका हीटिंग एलिमेंट चालू हो जाएगा। ये सेटिंग नहीं हुआ इसलिए हीटिंग एलिमेंट चालू नहीं हुआ है, इसी तरह का ये चलता है। और इसका चलने के लिए सेटिंग का कोई सेटिंग तो क्या हुआ था, इसका सेंसर नहीं लगा इसलिए नहीं चला, मैं सेंसर लगा के आपको दिखा देता हूँ। देखिए सेंसर लगा दिया तो ये भी चालू हो गया, ये पूरा सेटिंग होके जाएगा और अंदर की तरफ होके जाएगा। डैमेज होने का कोई रिस्क नहीं, डैमेज होगा तो उसका जिम्मेदारी हमारा है। और कुरियर चार्ज जो इसी में लगेगा छोटा वाला सबसे जो है 1800 में, इसी में 400 रुपए लगता है कुरियर चार्ज, और बाकी कोई भी मॉडल लीजिए 500 कुरियर चार्ज लगेगा। कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगा, 500 आपको एडवांस देना पड़ेगा, बाकी का जो पेमेंट रहेगा इंक्यूबेटर का वो आपके घर पे डिलीवरी होने में टाइम पे आप दे सकते हो, और प्रीपेड लोगे तो और भी अच्छी बात है। तो चलिए उसके बारे में ये भी तो चालू हो गया, ये भी देख लिए, उसके बाद चलते हैं और ये 3 मॉडल हमारे पास है क्योंकि टाइम नहीं है, तो जल्दी जल्दी इसको चालू कर आगे बढ़ते हैं। और अभी ये देखो ये हमारा है 2800 रुपए में, ये भी सोनडे का है, ये आ जाएगा हमारा डबल फैन डबल होल्डर में। नीचे में अगर अगर दिखाऊं तो ये देखिए डबल फैन 45 डिग्री में फैन लगाया, पूरा फ्री है, पूरा स्ट्रॉन्ग देख करके फैन लगाया गया है, नट बोल्ट से खुलेगा नहीं, इसका गारंटी हम ले सकते हैं। और अच्छा कंपनी का फैन है, जो हमारा बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रहता है सब एंकर का रहता है। और डबल फैन डबल होल्डर बट कंट्रोलर रहेगा इसमें सिंगल, और मेन जो बात रहता है इसमें आपको जो सबसे बड़ी डिफरेंस ये है कि इसमें मर्कुरी वाला थर्मामीटर आपको साथ में मिलेगा। आप देखते हो गए ये दिखाते बहुत लोग देते कोई नहीं, तो ये है मर्कुरी वाला थर्मामीटर। ये मेन चीज है कि ये आपको कैलिब्रेट करता है, इसमें अगर 100 तक चला गया मतलब आपका इंक्यूबेटर में टेम्परेचर बिल्कुल सही है, यह बात ध्यान देना। ये बहुत कम लोग देते हैं क्योंकि इसमें आपका इंक्यूबेटर गलत से बना हुआ है, इंक्यूबेटर सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है इसमें पता चल जाता है, तो कोई अपना मार्केट खराब ना करे इसलिए ये देता नहीं है। हमारा इंक्यूबेटर के ऊपर पूरा भरोसा है, ऑल इंडिया 700 पीस इसी के भरोसे हमने बेच दिया है। और सेकंड बात है कि अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है कस्टमर का, चाहो तो आप मेरे से कस्टमर का नंबर लेके आपके एरिया में अगर रहेंगे तो उनसे बात भी कर सकते हो। तो चलिए उसका डिटेल बात करते हैं। इसमें आपको वही 25 वाट का चार बल्ब मिलेगा, 12 वोल्ट 2 एम्पीयर का अडाप्टर मिलेगा, बार बार बता रहा हूँ ओरिजिनल रहता है हमारा अडाप्टर, चौक वगैरह हम यूज नहीं करते खुली बात है। और HTC 1 हाइग्रोमीटर मिलेगा, साथ में बैटरी इंक्लूड होकर रहेगा, ये भी अपटेक का है, बिना ब्रांड का नहीं होता, ब्रांडेड यूज करते हैं हम। और यह मर्कुरी वाला थर्मामीटर इतना सब मिलेगा, डबल फैन डबल होल्डर W1200 ओरिजिनल होता है, इसके ऊपर ओरिजिनल का होलोग्राम चाहिए तो बोलेंगे तो वो भी चिपका के दे देंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आएगा 2800 रुपए, कुरियर चार्ज आएगा 500, क्योंकि और जितने भी हमारे पास मॉडल है सभी में 500 रुपए कुरियर चार्ज हमारा आते हैं। तो इसको भी चालू करने का प्रोसेस सेम है, ये अंदर की तरफ होके जाएगा, जब आपके पास पहुंच जाएगा तो उसको उठा के ये जो टेप है इसको ऐसे निकल जाता है, इसको निकाल के यहाँ पे चिपका देना है, ये क्योंकि ये जाएगा नहीं अभी इसके लिए हम चिपका नहीं रहे हैं। तो उसके बाद इसको होल्डर इधर यह लगाना है, ऑन करना है आपका, देखेंगे अंदर फैन और LED चालू हो गया, उसके बाद यह लगा देना आपका पावर। ये देखिए LED भी है 12 वोल्ट का, फैन भी है, डबल फैन है, कभी अगर एक खराब भी हो गया, एक बल्ब आपका भी खराब हो गया कोई दिक्कत नहीं, गर्मी में एक बल्ब चलेगा सर्दी में 2 बल्ब, सिंपल सी बात है। और बाकी डिटेल्स के लिए हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो आगे बढ़ते हैं। अभी यह हो गया सोनडे का 2800 रुपए में, इसके बाद इसका डबल कंट्रोलर में बात करेंगे, सेम सभी सेम रहेगा, डबल कंट्रोलर का होगा ये। तो अभी ये है हमारा डबल कंट्रोलर में, ये जो लोग हमसे थोड़ा दूर रहते हैं या जो डबल कंट्रोलर डबल फैन डबल होल्डर में लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ये आएगा 3200 रुपए में, कुरियर चार्ज अलग रहता है 500 रुपए। और इसमें देखिए डबल कंट्रोलर डबल होल्डर LED लगा हुआ है 12 वोल्ट का, ये दोनों कंट्रोलर का सेंसर है, और इधर डबल कंट्रोलर डब्बे में लगा हुआ है, इसको बाईपास करने का स्विच है। तो उसके साथ आपको क्या क्या मिलेगा, वही चार बल्ब मिलेगा 25 वाट का, वही हाइग्रोमीटर मिलेगा जैसे 2800 में था, ये मर्कुरी वाला रूम थर्मामीटर है जो मैंने दिखाया, ये 12 वोल्ट का 2 एम्पीयर का अडाप्टर है, ये मल्टीपिन रहता है। तो चलिए उसको दिखाते हैं डबल कंट्रोलर काम कैसे करता है। तो पहले इसका वही
सेंसर का सॉरी अडाप्टर का तार लेके इधर लगाना है मोटा वाला पिन, ये जैसे लग गया देखिए, सिर्फ एक ही कंट्रोलर हमारा ऑन है। जब अगर बाय चांस एक कंट्रोलर आपका खराब हो गया या लगा आपको ये खराब है या कुछ भी दिक्कत है, बस ये जो साइड में स्विच है उसका दबा देना, जो चल रहा था वो बंद हो जाएगा, जो नया था वो ऑन हो जाएगा। अगर कभी भी दिक्कत है आप उसी हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। और चलिए इसको चालू करके दिखाते हैं, बल्ब तो हमने लगा दिया मोटर में, और उसके बाद इसको भी लगा देते हैं बिजली में। ये देखो मोटर तो जैसे है हमारा, ये फैन दोनों घूमने लगा। अगर कभी एक फैन खराब भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा फैन से आपका हैचिंग निकल जाएगा। गर्मी में सिर्फ एक 25 वाट का बल्ब लगेगा, सर्दी में दो। और साथ में जो चीज मिला वो तो हम बता दिए, ये भी रहता है हमारा 3200, कुरियर चार्ज एक्स्ट्रा रहता है 500 रुपये, एडवांस करना पड़ेगा आपको 500 रुपये, बाकी का जो 3200 रुपये रह रहे जब आपके घर पर डिलीवरी होगा तब दे देना। और सीओडी के बाद अगर प्रीपेड में लोगे तो उसके लिए अलग डिस्काउंट वगैरह हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप सीओडी लोगे कि प्रीपेड। तो अभी आगे बढ़ते हैं, उसका जो हमारा सबसे बेस्ट मॉडल है, मेरा सबसे अच्छा मैं मानूं कि ये मॉडल हमारा अभी तक 0 कंप्लेंट आए, एक भी कंप्लेंट नहीं आया, मैं छाती ठोक के बोल सकता हूँ, क्योंकि ये मैंने जितने भी बेचा है एक कस्टमर ने रिजल्ट के बारे में या ना आपका इंक्यूबेटर के बारे में कंप्लेन ही करने का शिकायत ही नहीं आया। बता रहा था यह हमारा है सबसे बेस्ट मॉडल, उसका वजह है ये होता है STC 1000 कंट्रोलर, सबसे हैवी कंट्रोलर होता है, जिसमें कि आप इसमें आराम से 500 तक का अंडे का इंक्यूबेटर बना सकते हो। पर हम क्या करते हैं, इसमें सिर्फ 100 अंडे का ही इंक्यूबेटर बनाते हैं सेमी ऑटोमेटिक में 150 तक का ही बनाते हैं। उसके ऊपर हमारा भी अलग कंट्रोलर यूज करते हैं, क्योंकि कंट्रोलर हैवी रहेगा तो आपका रिजल्ट भी अच्छा है, कंट्रोलर खराब भी नहीं होगा। तो ये देख सकते हो उसके अंदर भी क्या क्या मिलेगा, ये देखिए वही 4 25 वाट का बल्ब, मर्कुरी वाला थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर इसमें चेंज हो जाएगा, वो छोटा वाला आ जाएगा क्योंकि इसके लिए ये भी बाहर रहेगा तो कंफर्टेबल होता है यूज करने के लिए। और 12 वोल्ट 1 एम्पियर का अडाप्टर रहता है इसका, 1 एम्पियर का इसीलिए रहता है कि ये सिर्फ अडाप्टर से ये सिर्फ दो फैन और LED चलता है, इसलिए 1 एम्पियर का देते हैं। और मल्टी सेलर, इसका पूरा वीडियो हमारा चैनल में अवेलेबल है, मैं लिंक होगा तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। और इसको भी वही चालू करने का प्रोसेस सेम ही है, सेंसर तो डाला हुआ है, ये जाएगा तो अंदर की तरफ, आपके घर पे जब पहुंच जाएगा इसको लगाना है बिजली में। और इसका जो यहाँ पे देखिए एक अडाप्टर के लिए पॉइंट है, अडाप्टर पॉइंट में इसको लगा देना, अंदर फैन वगैरह ऑन हो जाएगा। और कंट्रोलर और हीटिंग लाइन के लिए ये 2 पिन जो प्लग है, ये प्लग ऑन हो गया, ब्लिंकिंग हो रहा था क्योंकि पार्किंग के लिए। ये देखिए 35 टेम्परेचर है, ये कभी भी ये वाला कंट्रोलर इतना मुझे अच्छा लगा कि एक भी कंट्रोलर ये मुझे अभी तक प्रॉब्लम नहीं आया। कोई कस्टमर, कम से कम यह वाला मॉडल मैंने 100 पीस बेच लिया है या उससे ही ज्यादा होगा, एक कस्टमर मुझे कंप्लेन कर नहीं पाया, ज्यादातर अभी यही सेल हो रहा है। जैसे अगर मैं आज भी बताऊं तो आज 2 पीस ये वाला मॉडल मैंने सेल किया है मेरे स्टेट के अंदर, जो बस में गया सब। तो इसके लिए भी वही सेम प्रोसेस देख लिया आपने। तो अभी चलिए बात करते हैं कि जो भी हम हमारे से लेना चाहते हैं हमारे नंबर पर संपर्क कीजिए, हमारा कस्टमर सर्विस पूरा अवेलेबल रहता है। मेरा 2 नंबर है, मेरा खुद का एक नंबर है, एक मेरा छोटा भाई का नंबर है। कोई भी नंबर पर आपको कभी भी दिक्कत आए तो कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो प्राइस के बारे में फिर से मैं बता दूँ, 1800 रुपये से हमारा शुरुआत है, और ऑल इंडिया कैश ऑन डिलीवरी भी है, प्रीपेड भी है, वो आपकी मर्जी आप कैसे लेना चाहते हो। और कैश ऑन डिलीवरी में एक ही कंडीशन है कि जो कुरियर का चार्ज रहता है 400-500 अलग अलग रहता है कुरियर चार्ज, वो आपको पे करना पड़ेगा एडवांस के हिसाब से। एडवांस जब आपको पेमेंट कर दोगे आपको एक बिल दे दूंगा, इसी तरह ये देख सकते हो हमारा बिल है, मैं बिल काट के आपको दे दूंगा फोटो में, और मशीन में साथ में भी बिल जाएगा। उसके बाद आपको एडवांस करने के बाद 6 दिन से 7 दिन के अंदर आपके घर में इंक्यूबेटर डिलीवरी कंपनी के कुरियर के द्वारा पहुंचा दिया जाएगा। और इंक्यूबेटर में इंश्योरेंस इंक्लूड रहता है, अगर आपके घर में इंक्यूबेटर डैमेज पहुंचा तो वो आप रिटर्न कर देना, मैं उसका पैसा आप चाहो तो पैसा दे दूंगा, नया इंक्यूबेटर चाहो तो नया इंक्यूबेटर दे दूंगा, वो हमारा जिम्मेदारी है। अगर कुछ भी डैमेज हुआ वो हमारा जिम्मेदारी है, ये मैं ऑन वीडियो भी ऑन कैमरा भी बोल रहा हूँ। तो चलिए 700 तो आंकड़ा हो गया, अभी 1000 के लिए हम वेट कर रहे हैं, देखते हैं। आप लोगों का सपोर्ट जरूर चाहिए, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल का सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।